हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक हो। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। यस, एंड ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, चैप्टर नंबर 13 है एंड इस चैप्टर का नाम है चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। अच्छा, एक वादा करता हूँ, अब से हर हफ्ते एक वीडियो आएगा और ऐसे भी आपके काफी कम बचे हुए, ठीक है। हर हफ्ते एक वीडियो आएगा 7th स्टैंडर्ड का। दिन भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको, मैं अपने कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो आप प्लीज टेंशन मत लो। 7th, 8th, 9th, 10th सबका पोर्शन कंप्लीट होगा इस चैनल पे, जैसा प्रॉमिस किया था, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा नीचे ना डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। मैं चाहता हूं कि उस लिंक पे जाकर के आप लोगों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे काफी सारी यूजफुल चीजें मिलते रहती है। अभी चलो बिना टाइम पास के ये चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यार ये चैप्टर देखो काफी सिंपल सा चैप्टर है वैसे तो, ठीक है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, मगर फिर भी कुछ हार्ड नहीं है, दैट डजंट मीन कि हम इसको छोड़ देंगे। अच्छा, मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा बच्चों, अगर अब तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। देखो, चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसमें सबसे पहला हमारी प्यारी सी दीदी, याद है ना आपको, हमने इसको दीदी बोला था। ये कह रही है लेट्स रिकॉल, दैट मीन्स कि हमने कभी तो पढ़ा हुआ है, व्हाट आर कॉजेस ऑफ द चेंजेस ऑकरिंग इन आर सराउंडिंग। ये पूछ रही है कि हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। अच्छा, दूसरा एक और सवाल ये पूछती है, व्हाट इज मेंट बाय मैनमेड चेंजेस, व्हिच आर दिस चेंजेस। मैनमेड चेंजेस क्या होते हैं और ये कौन से होते हैं। अच्छा, हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। किसी चीज के पीछे कुछ फिजिकल रीजन होता है, किसी चीज के पीछे कुछ केमिकल रीजन होता है, कभी कभी सोशल रीजन भी होता है, पॉलिटिकल रीजन होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। मगर क्योंकि हमें यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ना है तो हम यार दो चीजें देखने वाले, एक फिजिकल और एक केमिकल चेंज देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे यार, ये दूध है, ये क्या है बच्चों, मिल्क है। मिल्क ये है, मिल्क बेटा, ये मिल्क का बन गया ये कर्ड। क्या बन गया बेटा, ये मिल्क का बन गया कर्ड। अच्छा, मिल्क का अगर कर्ड बन गया मतलब दूध का हो गया दही, दिमाग की बात नहीं चल रही है, बात हो रही है दूध का दही हो गया। तो दूध का दही हो जाने का मतलब क्या होता है, ये कौन सा चेंज है। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये केमिकल है। अच्छा सर, मुझे कैसे पता चलेगा केमिकल है या फिजिकल है, लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे बर्फ का पानी बन रहा है, ये फिजिकल चेंज है, मैं कहता हूँ, ठीक है, ये फिजिकल चेंज है। अच्छा, ये क्या बेटा, ये एक सीड है शायद जिसमें से एक पौधा निकल रहा है, मैं कहूंगा ये भी एक केमिकल चेंज है, ये भी एक केमिकल चेंज है। दूध गर्म हो रहा है, ये पानी है, सॉरी ये पानी है, ये गर्म होकर वेपर बन रहा है, मैं बोलूंगा ये एक फिजिकल चेंज है। तुम बोलोगे सर क्या तुक्का मार रहे हो, केमिकल फिजिकल, बाकी ये तुम कर लेना, ठीक है, ये केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है और ये भी केमिकल चेंज है। देखो फिजिकल चेंज मतलब वो चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है बच्चों, रिवर्सिबल होता है, बताता हूं मैं। जैसे ये पानी बना, बर्फ का पानी बना, वापस इसका बर्फ बनाया जा सकता है, ये रिवर्सिबल है, इसलिए ये फिजिकल है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे वेपर बना, इस वेपर का वापस वाटर बनाया जा सकता है कंडेंसेशन करके, तो ये रिवर्सिबल है, तो ये फिजिकल चेंज है, आप समझ रहे हो राइट। और एक बार दूध का दही बन गया तो दही का दूध वापस नहीं बना सकते, क्योंकि केमिकली चेंज हो जाता है, उसकी कॉम्पोजिशन बदल जाती है, समझ रहे हो। तो ये हो गया केमिकल चेंज, काफी सिंपल था, काफी सिंपल था। चलो यार आगे बढ़ते हैं, आपको पता है हम 7th स्टैंडर्ड में लाइन टू लाइन चलते हैं, तो देखते हैं क्या है। Which points will you consider while classifying the following changes into two groups? A fruit falling from a tree, rusting of iron, raining, lightning, electric bulb, cutting, vegetable। ये तुम देख लेना, तुमको पता है फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है, इनमें तुम डाल दोगे, ये बहुत सिंपल है। अच्छा फिर से है, कैन यू टेल करके कुछ बोला है। Which of the above changes are occurred for their own accord or naturally? अब ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा चेंजेस है जो खुद से हुए हैं या फिर नेचुरली हुए हैं, ऐसा बोला है, तो वो भी देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद से क्या होता है और नेचुरली क्या होता है, ठीक है। वी हैव प्रीवियसली स्टडीड सम एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस, हमने पहले कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे चेंजेस के, लाइक राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, ये क्या है बेटा, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार जो फल पक गया उसको वापस नहीं किया जाता है, ठीक है। स्पॉइलिंग ऑफ वाटर ऑकर नेचुरली, ठीक है, देर आर नेचुरल चेंजेस, ये सारे नेचुरल चेंजेस होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर चेंजेस ऑफ सच नेचुरल चेंजेस, और नेचुरल चेंजेस के बारे में तुम सोच सकते हो, जैसे हमारा एज होते जाता है, ये एक नेचुरल चेंज है, ठीक है। वॉट चेंजेस हैव यू सीन टेकिंग प्लेस इन मटेरियल्स इन योर सराउंडिंग, लेट्स लर्न अबाउट द चेंजेस इन ग्रेटर डिटेल इन दिस लेसन। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी पढ़नी है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट करना। चलो यहां पे देखते हैं क्या बोला है।
मिनी चेंजेस सच एज शार्पनिंग अ पेंसिल, एक पेंसिल को ऐसा टोक देते हो ना तो शार्प करते हो, ठीक है। बेकिंग ब्रेड, कुकिंग ऑफ फूड एंड यूजफुल टू अस, दिस आर देयर फोर कॉल्ड एज यूजफुल चेंजेस। ऐसे काफी सारे चेंजेस होते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, इसके लिए इसको हम यूजफुल चेंज बुलाते हैं। द चेंजेस दैट आर नॉट यूजफुल टू अस, चेंजेस दैट डू अस हार्म आर कॉल्ड एज हार्मफुल चेंजेस। अब वो चेंजेस जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जिसके कारण हमें कोई ना कोई हार्म पहुंचता है, उसको यार हार्मफुल चेंज कहते हैं। काफी सिंपल है, यहां तक काफी सिंपल है, पहला पेज ऑलमोस्ट सिंपल ही था। अभी देखो आगे बढ़ते हम, थिंक अबाउट इट बोला है यहाँ पे, कि इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। तो चलो मैं समझाता हूँ कि क्या सोचना है और क्या बोल रहा है। देखो, कैन यू क्लासिफाई द नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस यू हैव लिस्टेड एज यूजफुल एंड हार्मफुल चेंजेस। तो जो नेचुरल और मैनमेड जो ऊपर तुमने क्लासिफाई किया था, उसमें से यूजफुल कौन से थे और हार्मफुल कौन से थे, वो तुम क्लासिफाई कर सकते हो। जिससे हार्म हुआ वो हार्मफुल, जो यूजफुल हो गया वो यूजफुल, ठीक है। अच्छा देखो, सो फार वी हैव स्टडीड सर्टन टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट कैन यू टेल अबाउट दोस टी, नेमली ब्रस्टिंग ऑफ बलून एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ड्यूरेशन दे टाइम टेकन टू हैपन। मतलब इन सब चीजों को बहुत टाइम लगता है। जैसे अभी एक फल पकने के लिए, सोचो यार तुम फल को पकने का सोचो, मान लो कि एक फल है मतलब कच्चा आम है, उसको पकने के लिए 3-4 दिन तो कम से कम लगता है। और अगर आम अभी अभी पेड़ में धीरे धीरे आ रहा है, तो पहले आम आएगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर पकेगा, फिर मिठापन आएगी, फिर हम खाएंगे, बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ बर्स्टिंग ऑफ अ बलून इज शॉर्टर देन द राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट। अब एक बलून का फूटना और एक फल के पकने में काफी टाइम लगता है, बलून फट से फूट जाता है लेकिन एक फल पकने में काफी टाइम लगता है। अच्छा आगे देखो, चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज फास्ट एंड क्विक चेंजेस। जो बहुत जल्दी हो जाता है उसको फास्ट एंड क्विक चेंजेस बोलते हैं, वाइल द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम इज कॉल्ड एज स्लो चेंजेस। तो क्या कहते हैं, स्लो चेंजेस कहते हैं। समझ रहे हो, ऊपर यूजफुल हार्मफुल पढ़ा, मैनमेड नेचुरल पढ़ा, अभी स्लो और फास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलो, आगे चलो, अभी यहां पे आ जाते हैं सीधे, ठीक है, इधर सीधे आ जाते हैं। ये देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम ओरिजिनल सॉलिड वैक्स, अगेन इट्स समथिंग दैट वी कैन डू रिपीटेडली। द चेंजेस दैट कैन ऑकर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंजेस। अ राइप मैंगो हाउएवर कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट बैक टू इनटू रॉ मैंगो, वुड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ऐश फ्रॉम बर्निंग अ वुड। देखो ये बोल रहे रिवर्सिबल चेंजेस, जिसको मैंने फिजिकल चेंजेस बोला था, एंड दे आर सेइंग लाइक कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको बार बार किया जा सकता है। इन लोगों ने क्या बोला है, मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स का लिया है, मतलब मोम बत्ती को जलाया, उसके वैक्स को मेल्ट किया, वापस उसमें से जो मेल्ट करके जो निकला वैक्स को मेल्ट किया तुमने, ठीक है, और उस मेल्टेड वैक्स को वापस सॉलिड कर दिया, फिर उसको मेल्ट किया, फिर सॉलिड कर दिया, ये किया जा सकता है। लेकिन एक जो फल पक गया है बच्चों, उसको वापस कच्चा नहीं किया जा सकता, उसको वापस रॉ स्टेट में नहीं लेके जाया जा सकता है, राइपन स्टेट से। सिमिलरली एक बार लकड़ी को तुमने जला करके राख बना दिया, उस राख से वापस तुम लकड़ी नहीं बना सकते। तो कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होती है, कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल होती है। अब आगे देखो क्या है, ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। ऑन कंसिडरिंग द अबो एग्जाम्पल, अबो एग्जाम्पल कुछ बोला है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड सम चेंजेस दैट ऑकर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ डिफाइनेट इंटरवल ऑफ टाइम, सच चेंजेस आर कॉल्ड एज पीरियोडिक चेंजेस। ऑन द अदर हैंड द चेंजेस दैट कैन बी फॉर श्योर फॉर सर्टन चेंजेस रीअपीयर वन ऑकरन। क्या बोल रहा है यार ये, देखो यार ये तो पीरियोडिक चेंजेस मतलब क्या है कि बार बार उस चीज को किया जा सकता है, और बार बार वो चेंजेस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होता है, दैट इज पीरियोडिक चेंजेस। मतलब एक सर्टन पैटर्न फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे क्या, अरे ये छोटा है ना। ऑन द अदर हैंड इट कैन नॉट बी सेड फॉर श्योर व्हेन सर्टन चेंजेस विल रिकर आफ्टर वंस ऑकरेंस, इवन इफ दे रिकर द टाइम इंटरवल इज नॉट फिक्स, सच चेंजेस आर कॉल्ड एज नॉन ऑर्गेनिक चेंजेस। ऐसे चेंजेस को बेटा क्या बोलते हैं, नॉन ऑर्गेनिक चेंजेस। मतलब ये बोला जा रहा है कि कुछ चेंजेस ऐसे होती है जो हो जाती है और उसके बाद दोबारा कब होगी इसका कुछ बताया नहीं जा सकता, ऐसे चेंजेस को बोला जाता है नॉन पीरियडिक चेंजेस। क्या बोला जाता है ऐसे चेंजेस को, नॉन पीरियडिक चेंजेस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा क्या हो गया कि वीडियो को मुझे रोकना पड़ा, क्योंकि हमारे दूध वाले आ गए थे, हम भी इंसान हैं, होता है हमारे साथ भी ये सब, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये नॉन पीरियोडिक चेंजेस हमें समझ में आ गया, मैं बाद में एक बार समराइज करूंगा सभी चीजें, डोंट वरी, ठीक है। काफी छोटा सा चैप्टर, देखो यूं तो चैप्टर खत्म हो गया, 20-25 मिनट का चैप्टर बनेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी यार यहाँ पे काफी सारी चीजें बोली गई हैं, और जिसमें से तुम अगर देखो तो यहाँ पे फोटो दिया है, तो हम उसमें नहीं जाते क्या लिखा है वो, विच टाइप ऑफ चेंजेस चेंजर सीजन समर टू रेन एंड विंटर, ये तुम्हारा पृथ्वी घूमता है बेसिकली। विच हैंड्स ऑफ द क्लॉक शो द पीरियोडिक चेंजेस फ्रॉम 6 AM टू 6 PM हाउ मेनी टाइम्स। मतलब यार कौन सा 6 AM टू 6 PM कौन से क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो दिखाते हैं तुम्हें चेंजेस, और कितने देर बाद दिखाते हैं, ठीक है। तो ये तुम दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है ये। अब देखो, ये कच्चा आम है, ये पका आम हो गया,
ये तुम्हारा क्या है यार, कुछ तो है मतलब, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा है क्या है। देखो देखते क्या लिखा है यहाँ पे। ये शायद राख है, नहीं नहीं यार ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है बेटा, और ये आयरन फिलिंग्स है। तो ये उसको चिपक गई और यहां से यहां लेके चला गया आयरन फिलिंग्स उसको। अच्छा अब मैं समझा, ठीक है। तो देखो, विच ऑफ दिस चेंजेस आर परमानेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डिड द ओरिजिनल मैटर अंडरगो चेंज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर अनचेंज, इन विच ऑफ द चेंजेस अ न्यू सब्सटेंस अ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म। बहुत सारा सवाल पूछ लिया इसमें। तो देखो यहां पे मैं तुमको समझाता हूं, कच्चा आम है पक गया, अब क्या बन गया, पका आम बन गया। अब ये था यार खट्टा, ये है मीठा, तो दोनों में फर्क है, ठीक है, दोनों में फर्क है। क्या तुम इसको वापस कच्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना सर, कब से तो यही सुन रहे हैं। अच्छा ये मैग्नेटिक चीज था, इसमें जब ये गया तो इसको यहां से उठा करके बाहर लेके चला गया, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हो गया, मतलब ये जो पार्टिकल्स थे आयरन, उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हो गया। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट को हटा दोगे, वापस वो नॉर्मल हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। अच्छा ये कली है गुलाब की, वाह वाह, कली है गुलाब की और ये खिल के पूरी गुलाब बन गई है, क्या ये वापस कली बन पाएगी? तो बच्चे हो, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, क्या बस बच्चे बन पाओगे? दिमाग से बच्चे बनोगे? सच में नहीं बनोगे। अच्छा ये बर्फ है, बर्फ का पानी हो गया, क्या पानी का वापस बर्फ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो सर ये वाला परमानेंट है, ये वाला परमानेंट है, ये वाला, और ये वाला टेम्पररी है। समझ गए, समझ गए, टेम्पररी दोनों मार्क है अभी। तो देखो यार, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब पढ़ लो क्या लिखा है, इन सब ऑफ द अबव एग्जांपल चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन द सेम बट देयर कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, सच चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। कुछ नया नहीं बना, उसका फिजिकल स्टेट बदला है खाली। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है, इन सम प्रॉपर्टीज, क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन सेम बट देयर इज चेंज, कॉम्पोजिशन रिमेन्स अनचेंज। प्रॉपर्टीज सेम रहती है, कंपोजिशन अनचेंज रहता है। मतलब इतना दिमाग मत लगाओ, सिंपल से समझो, ये सेंटेंस काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा है, सिंपल समझो। जो भी रिवर्सिबल होंगे उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे, जिसमें एट द एंड कंपोजिशन नहीं बदलेगा। जैसे कंपोजिशन मतलब ये पानी था और ये भी पानी ही है, भले वो बर्फ है, सॉलिड स्टेट में है और ये लिक्विड स्टेट में। समझ गए। अब केमिकल चेंज में क्या होता है यार, ये इरिवर्सिबल होता है और इसमें कॉम्पोजिशन बदल जाता है। ये जो था ये खट्टा था और ये जो है वो मीठा है, कॉम्पोजिशन बदल गया। समझ रहे, काफी सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो केमिकल चेंज भी हम समझ में आ गया हमें। अब बस थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा सबर और करो और खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखो यार अगला क्या है, लेट्स रिकॉल, फिर से दीदी कह रही है लेट्स रिकॉल, क्या कह रही है, व्हाट प्रोसेस ऑकर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर। जब मैटर चेंज होता है तो क्या, विच प्रोसेसेस ऑकर, क्या प्रोसेसेस ऑकर होती है, व्हाट हैपेंस व्हेन द वाटर इज टेकन इन अ बॉल एंड हीटेड, क्या होता है, वाप बन जाता है, वो हीट होता है, गर्म हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है, वेपर बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम अ सॉलिड इज कॉल्ड एज एवापोरेशन। सॉलिड्स, देखो क्या बोल रहे हैं, वेपर फ्रॉम लिक्विड, हाँ वही तो मैं सोचा कि कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब तुम्हारे पास यार लिक्विड है, लिक्विड पानी है, लिक्विड पानी है, उसका तुम वेपर बनाओगे तो इसको बोलते हैं एवापोरेशन। इसको क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर आर पॉसिबल ड्यू टू एवापोरेशन। तुमने बचपन में पढ़ा होगा, तुम्हारा जो कपड़े सूख जाते हैं वो ड्राइंग होता है ड्यू टू एवापोरेशन। तो इनफैक्ट तुम्हारे जो नमक बनती है वो भी ड्यू टू एवापोरेशन साइकिल बनता है इन सी। अब देखो ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स यहाँ पे, हाँ, हैव यू स्टडीड सम प्रोसेसेस दैट आर अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, विच आर दिस प्रोसेसेस। तुमने पढ़ा वाटर साइकिल का प्रोसेस वगैरह पहले। डू द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रीवियसली वी हैव लर्न अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ डिजॉल्विंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। मतलब क्या बोला जा रहा है, डिजॉल्विंग, मान लो बच्चों कि मैंने ये कपड़े को डिजॉल्व तो नहीं कर रहा हूं, मैं इसको धो रहा हूं किसी चीज में, उसके बाद मैं उसको सुखा देता हूँ, क्या कपड़ा बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। मान लो कि मैंने पानी को गर्म किया, मैं तुमको समझाता हूँ अच्छे से, रुक जाओ, ठीक है। मैंने वाटर को बॉईल किया, अब वाटर को बॉईल किया, ये वेपर बन गया, इस वेपर को मैंने वापस कंडेंस कर लिया, कंडेंस कर लिया, वापस वाटर बन गया, लिक्विड बन गया। तो क्या इसमें पानी तो पानी रह गया ना, तो ये फिजिकल चेंज का प्रॉपर्टी एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो यार कुछ तो लिखा है, ठीक है, और कुछ नहीं यार, काफी सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर केमिकल, मेक अ टेबल। अब तुम्हें बताना है कि इनमें से दिए गए में से कौन से केमिकल है, कौन से फिजिकल है, तुम कर लोगे, आसानी से कर लोगे, मुझे पता है। अब बात करते हैं कोरोजन का, ठीक है। कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, सिंपली सिंपली, ठीक है। व्हेन एन आयरन आर्टिकल रस्ट, जब एक आयरन का आर्टिकल रस्ट होता है, मतलब उस पर जंग लगता है, रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म्स ऑन इट, उस पर कुछ लाल कलर का जंग, तो रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म होता है उस पर। अ ग्रीनिश लेयर इज सीन टू फॉर्म ऑन अ कॉपर आर्टिकल,
कॉपर की बात करोगे अगर आप, तो उस पे थोड़ा सा ग्रीनिश लेयर होता है कार्बन का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन ऑफ मेटल, इसको बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। दिस बिकम्स वीक ड्यू टू द कोरोजन, थिंग्स बिकम वीक ड्यू टू कोरोजन, ठीक है। कोरोजन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वेपर्स ऑफ केमिकल्स इन द एयर। मतलब यह कोरोजन क्यों होता है, बेसिकली ऑक्सीजन जो हमारे आसपास है ना, वो ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट करते हैं, मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। इसके अलावा वाटर वेपर है वो भी रिएक्ट करता है, मेटल को बेसिकली कमजोर कर देता है। कोरोजन मतलब होता है मेटल पे जंग लग के कमजोर हो जाना। अब अलग अलग मेटल हमारे एटमोस्फेयर के अलग अलग गैस से रिएक्ट करती हैं, ठीक है, काफी सिंपल है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं क्या बोला है इस पे। आयरन आर्टिकल्स आर यूज्ड बाय अ थिन कोट ऑफ जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन, दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। मतलब जिंक का लेयर अगर आयरन पे चढ़ाओगे तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, साफ साफ शब्दों में बता दिया मैंने। कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल्स आर कोटेड विद अ टिन, दिस इज कॉल्ड एज टिनिंग। अगर कॉपर और ब्रास के ऊपर अगर तुम टिन का लेयर लगाओगे तो उसको बोलते हैं टिनिंग, जिंक का लगाओगे आयरन के ऊपर तो गैल्वेनाइजेशन, टिन का लगाओगे कॉपर और ब्रास पे तो उसको टिनिंग बोलते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है जो तुम पढ़ लोगे, ठीक है, काफी सिंपल है, तुम पढ़ लोगे। अच्छा और क्या है इस चैप्टर में, व्हाइल क्लासिफाइंग चेंजेस इनटू अकाउंट द क्राइटेरिया हाउ द नंबर ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाइड टू चेंज, हाँ मतलब बहुत सारी कुछ ये काम करनी है, ठीक है। आई होप कि जितना तुम्हारे बुक में था उतना मैंने तुम्हें समझा दिया है, काफी सिंपल। अब तुम्हारा होमवर्क है यार, एक्सरसाइज को कर लेना, ठीक है, एक्सरसाइज को कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। अच्छा एक गुड न्यूज ये है कि मैं सोच रहा हूँ आगे के लेक्चर से ना तुम्हारे लिए क्विज रखूँ, 7th स्टैंडर्ड के लिए क्विज रखूँ। तो अगर तुम लोग नीचे क्विज 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 कमेंट करोगे ना, तो मैं पक्का अगले जो जो भी लेक्चर्स लूंगा ना उसमें क्विज रखूंगा। अच्छा मैं लास्ट में क्यों बोल रहा हूँ ये कि मैं क्विज रखूंगा, कि मुझे पता है यहाँ तक काफी कम बच्चे देखेंगे, और जो यहाँ तक देखेंगे तब मुझे पता चलेगा हमारे चैनल पर इतने लोग सीरियसली 7th स्टैंडर्ड के वीडियो डालने से देखते हैं, समझ रहे हो। चलो अच्छा अगर तुम समझ रहे हो तो, और बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली किया होगा तुम लोगों ने। और अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा है तो यार प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, थोड़ा सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं और बच्चों को लेकर के आओ। तो मैं जैसे 10th के लिए बहुत सारी चीजें प्लान करता हूँ, मैं 7th के लिए कर पाऊंगा, आर यू गेटिंग इट। और एक और चीज सुन लो, 10th के लिए और 9th के लिए ना मैं काफी अलग तरीके से वीडियो बनाता हूँ, 10th और 9th के लिए काफी अलग तरीके से, और शायद जब तक तुम 10th या 9th में जाओगे तब तक तो सब हो भी जाएगा, सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। और 7th और 8th के लिए ना इसी तरीके से वीडियो बनता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं एक एक लाइन करके वीडियो बनाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन होता है सब मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि तुम जब रीड करो ना तो तुम्हें सब समझ में आ जाए, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, तुम लोग प्यार दिखाओ अपना। और मैंने एक और बात बोला तुम लोगों को, क्या नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अगर तुम टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में तो करके कर लेना, बाकी तुम 7th में हो उतना तो मेरे को तुमसे उम्मीद नहीं है, ठीक है, कि मतलब तुम्हारे घर में अपना फोन होगा तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो इट्स ओके। चलो तो समझ गए सब लोग, हाँ सब लोग समझ गए। तो अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो बेटा प्लीज कॉमेंट कर देना, उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, और बिल्कुल टेंशन मत लो। और कुछ लोग हैं जो यार बहुत नेता बन रहे हैं, बोल रहे जे आई ट्यूटोरियल्स की तरफ पढ़ाओ, इसकी तरफ पढ़ाओ, उसकी तरफ बढ़ाओ पढ़ाओ, एक काम करो तुम चांद पे जाओ ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। अपना स्टाइल अपना स्टाइल है, अपन दूसरे का स्टाइल कॉपी नहीं मारेंगे, इनफैक्ट हम एनिमेटेड वीडियो बनाएंगे आगे चल करके, ठीक है। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं कवर कर रहा हूँ, आगे चल के और अच्छे कॉन्टेंट लाएंगे। चलो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना अपना ख्याल रखना और स्माइलिंग, चलो बाय बाय। अब चैप्टर नंबर 14 अगले वीक आएगा, ठीक है, आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा, चलो बाय बाय।